आज नांदेड़ की रैली में पीएम ने पहले दौर में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। पीएम ने कहा कि वोटिंग एकतरफा रही है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है, लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जो लोग मतदान नहीं कर रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें, हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं, और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25% जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है? चलो भाई, एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं, 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को, ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे।